गाड़ी को हम लोगों ने यहाँ पार्किंग में लगा दिया है। ये यहाँ पर पास में गैलेक्सी मॉल है। ये देखिए दोस्तों बेर कितना बड़ा बड़ा। अनार ले रहे हैं यहाँ पे, अनार 90 रुपये किलो है। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा तालाब दिखाने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से एक भारत के नक्शे के डिजाइन में बना हुआ है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं आज रायगढ़। मेरे साथ हैं रवि भाई और ड्राइव कर रहे हैं, और इधर भाई हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता। तो अभी हम लोग लेलुंगा से पार हो चुके हैं, 2 घंटे का रास्ता है, और लेलुंगा में पेट्रोल डलवाने का था, भूल गए। आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर डलवाएंगे। घरघोड़ा तक बहुत अच्छा रास्ता है दोस्तों, और जैसे हम घरघोड़ा पहुंचने वाले होते हैं रास्ते का हालत खराब होने लगता है। और उधर भी सही है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं इस रास्ते में घरघोड़ा के बाद, तो धूल धक्कड़ सब होता है। तो बाइक में आना तो एक सपने जैसा है। हम लोग कुछ दिन पहले आए हुए थे किशोर के साथ, वापस घर आते आते हम लोग भूत बन चुके थे दोस्तों। कोतबा से रायगढ़ लगभग 95 किलोमीटर है। हम लोग कोतबा से आ रहे हैं दोस्तों, रायगढ़ पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम लोग। ये देखिए माँ बंजारी मंदिर का ये दरबार है। ये मंदिर दोस्तों तराई माल में है ये मंदिर। पहुंच चुके हम लोग रायगढ़। अभी हम लोग को ओवरब्रिज के उस पार जाना है, रवि भाई को उधर कुछ काम है। गाड़ी को हम लोगों ने यहाँ पार्किंग में लगा दिया है। ये यहाँ पर पास में गैलेक्सी मॉल है। ओके, और अभी हम लोग जा रहे हैं पिज्जा खाने के लिए। ये है ग्रैंड मॉल। मैं उसकी भावनाओं को समझ गया। गौरी शंकर मंदिर। अभी यहाँ से जा रहे हैं, कुछ खरीदारी करना है रवि भाई को, फ्रूट्स लेना है अभी रवि को, मैं भी ले लूंगा घर के लिए। इधर जा रहे हैं, ये गौरी शंकर मंदिर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बेर कितना बड़ा बड़ा। खाएंगे अनार, 90 रुपये किलो है। और ये बेर किलो में दे रहे दादा, कितना रुपए किलो? 60 रुपये पड़ेगा। अच्छा, अनार ले रहे हैं यहाँ पे, अनार 90 रुपये किलो है। यहाँ चीज लेना है, पता नहीं मिलेगा नहीं भाई, थोड़ा साइड दो भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं जगदीश डेयरी, रवि भाई को चीज़ लेने का है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ एक दुकान था, वहाँ पर पैकेट साथ 10 रुपये का मिल रहा था, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा लेना था, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पर एक डेयरी है जगदीश डेयरी, वहाँ पे जा रहे दोस्तों। जगदीश डेयरी में ना तो चीज़ मिला और ना ही मिल्क ब्रेड, तो हम लोगों को किसी और दुकान की तरफ रुख करना है। थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के बोलूं क्या, आवाज़ नहीं आ रहा हो तो? सही आ रहा है ना? तब सही है यार, थोड़ा मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए आप लोग। ये मॉल है इधर, बिग बाजार ग्रैंड मॉल। आगे गाड़ी पार्किंग हम लोगों ने किया है, आगे लेफ्ट साइड में अंडरग्राउंड है।
गैलेक्सी पार्किंग, गैलेक्सी मॉल का ये पार्किंग है। इधर है हमारी कार। हाँ रुक जाओ रे भाई रे। इधर एक डेयरी है बस स्टैंड के पास में ही, यहाँ पर पता करते हैं। तो हम लोगों ने चीज़ ले लिया, मिल्क ब्रेड ले लिया, सब कुछ जो जो लेना था सब कुछ ले लिया दोस्तों हम लोग। और एक बात बताने का है आपको, यहाँ पर अभी भी बहुत गर्मी है यार। हमारी तरफ सुबह हो या शाम हो या फिर दोपहर, स्वेटर पहन के आप निकलेंगे तो सही रहता है। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं, ठीक है, मिलता हूँ कुछ देर में या फिर जब भी मुझे मूड हो वीडियो बनाने का। बंजारी मंदिर हम लोग आए हुए हैं दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा तालाब दिखाने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से एक भारत के नक्शे के डिजाइन में बना हुआ है दोस्तों। अगर ड्रोन से शॉट लेता मैं तो आप लोगों को पता चलता, लेकिन ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ दोस्तों, वहाँ पर जाके देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है। काश मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो मैं आप लोगों को दिखाता कि ये सच में भारत के नक्शे का तालाब है। ये देखिए दोस्तों कलरफुल मछलियाँ। कैसे मछली रवि, कैसे करेगा, कैसे वाला मछली है फिलहाल? नहीं खाने बनता होगा इसको ना? निकाल के देखते हैं, तब तक ट्राई करते खा बनता है कि नहीं। अबे वो एक्वेरियम में डालने वाला मछली है ना? ये नॉर्थ साइड है, इधर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला भाग इधर, और इधर साउथ हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पास में है, और इधर कौन सा रवि, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, असम वगैरह सब इधर ही है, पाकिस्तान उधर है, ये नॉर्थ के उधर हो देखना तो उसको नहीं सक रहे हो, एक जन ले गया ना। मोबाइल दे जाएगा भाई, मोबाइल भी खा जाएगा, मैं मछली को ही ले जाऊंगा उठा के, गिर जाएगा मोबाइल मोबाइल गिरेगा तो मैं कूद जाऊंगा उसमें, लेकिन निकल नहीं पाऊंगा ना रवि, फिर मैं भी मछली बन जाऊंगा रवि, तेरे को भी हम लोग चारा डालेंगे फिर तू भी चारा खाना। लोकार्पण माननीय डॉक्टर रमन सिंह। तो अभी यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं, दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।